उड़ीसा में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नवीन पटनायक ने सड़क चौड़ीकरण की आधारशिला रखी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगोलिया के पूर्व राष्ट्रपति नमरीन एन खबयार से मुलाकात की। भीड़वाला गैंगरेप में बच्ची की लाश मिलने पर सीएम अशोक गहलोत का बयान, रात में पुलिस ने 4-5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चंद्रयान 3 पर बोले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लैंडिंग लगभग एक हफ्ते बाद होगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बताया 31 अगस्त से 1 सितंबर को मुंबई में होगी इंडिया की अगली बैठक। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर शेयर किया वीडियो, आजमगढ़ की सड़कों में सांडों का उत्पाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी पाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया। ICC और BCCI के प्रतिनिधियों ने विश्व कप 2023 से पहले कोलकाता के ईडन गार्डन का निरीक्षण किया। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्यों ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा प्रबंधन ने नूह जिले में SKM सरकारी मेडिकल कॉलेज के पास अवैध निर्माण को गिराया। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।